जो योद्धा अपनी महत्वाकांक्षा और अभ्युदय के लिए युद्ध में प्रवृत्त होता है, जो किसी लक्ष्य के लिए युद्ध क्षेत्र में वीर गति प्राप्त करता है, उसके लिए कदापि शोक नहीं करना चाहिए। तुम्हारे लिए तो मैं आज भी झूठ बोलने का पाप कर सकता हूं, क्योंकि उसमें केवल पाप का दंड मुझे ही भोगना होगा। परंतु तुम मुझसे वो कार्य करने को कह रहे हो जिससे हमारे पिताश्री का वचन झूठा हो जाएगा। पुत्र तो उसे कहते हैं मेरे भाई, जो अपने सत्कर्मों का फल अपने पिता को समर्पित करके परलोक में उनका उद्धार करे, न कि वो जो पिता के सत्कर्म को छूटा करके उनका मस्तक लज्जा से झुका दे। लक्ष्मण, अज्ञानियों की भांति बातें क्यों करते हो? तुम तो जानते हो कि जीवन में जो कुछ होता है, मानव को जो सुख दुख मिलता है, उसके पीछे विधि की कोई योजना होती है। मानव अल्पज्ञ है, वो भविष्य को नहीं जानता, परंतु विधाता जानते थे कि जो दुख हमको मिला उसके परिणाम स्वरूप संसार और समाज का कितना कल्याण होने वाला था। अब तनिक पीछे की ओर दृष्टि डालकर देखो तो विधि की योजना का पता चलता है कि सीता को वास्तव में आर्यव्रत को अधर्मियों की अनीति और अत्याचार से मुक्त करने का निमित्त बनाया गया। महाराज विभीषण, मित्र, आप स्वयं परम ज्ञानी हैं। जो योद्धा अपनी महत्वाकांक्षा और अभ्युदय के लिए युद्ध में प्रवृत्त होता है, जो किसी लक्ष्य के लिए युद्ध क्षेत्र में वीर गति प्राप्त करता है, उसके लिए कदापि शोक नहीं करना चाहिए। लंकाधिपति ने अपनी आन के लिए, असुर जाति का गौरव रखने के लिए जो गति पाई है, वो पूर्वकालीन महापुरुषों की बताई हुई उत्तम गति है। क्षत्रिय वृत्ति का आश्रय लेने वाले पुरुष की यदि रण में मृत्यु हो तो यह उसके लिए बड़े आदर की वस्तु है। यही शास्त्रोक्त सिद्धांत है। पुत्र तो उसे कहते हैं मेरे भाई, जो अपने सत्कर्मों का फल अपने पिता को समर्पित करके परलोक में उनका उद्धार करे, न कि वो जो पिता के सत्कर्म को छूटा करके उनका मस्तक लज्जा से झुका दे।